2024 का लोकसभा चुनाव है और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के चौरी चौरा में। आप देख सकते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह आने वाले हैं और लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश कितना है ये देख लेते हैं। आप बताइए, 24 का चुनाव है सातवें चरण में, तो किस तरह का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बांसगांव की खासकर बात करें? जोश बहुत ज्यादा है। माननीय सांसद जी को चौथी बार सांसद बना के केंद्र सरकार में मंत्री बनाना है। आप बताइए, आप लोग को क्या लगता है, कितना उत्साह दिख रहा है बांसगांव की अगर बात करें? बांसगांव विधान पूरे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सीट जीतेगी और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करेंगे फिर से एक बार, और भारत को विश्व गुरु के बनाकर छोड़ेंगे। ये बताइए, सदल प्रसाद हैं कांग्रेस से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है टक्कर कुछ दे पा रहे हैं? कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे भाजपा के नाम पे। इस बार कमलेश पासवान चौथी बार केंद्र में मंत्री बन के आएंगे जी। अच्छा, डॉक्टर राम समूह भी हैं, बहुजन समाज पार्टी हर बार दूसरे पायदान पर रही है। नहीं जान रहा हूँ राम समूह है कौन, बसपा ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए है, मैं खुद नहीं जान रहा हूँ। रुद्रपुर का रहने वाला हूँ, राम समूह को नहीं जान रहा हूँ। बताइए इस बार ऐतिहासिक, आप लोग भाजपा से इसलिए ऐसा कर रहे हैं या आप चोरी चोरा के? आप पता कर लीजिए आप, राम समूह हम लोग विकास पे वोट देंगे जी। मदन उपाध्याय जिला मंत्री युवा मोर्चा देवरिया, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लोकसभा बांसगांव के अंतर्गत युवा सम्मेलन रखा गया है। निश्चित तौर पे इस सरकार ने युवाओं के लिए जो पहले सरकारों में नौकरियां मिलती थी, पहले सरकारों में जो नौकरियां मिलती थी उस नौकरियों में पहले ही जो डिमांड होता था जातिवाइज और पैसे वाइज, उन बच्चों को नौकरी दी जाती थी। और इस सरकार में निश्चित रूप से जो भी ब्रिलियंट छात्र हैं उनको इस सरकार में बिना पैसे के उनके टैलेंट के आधार पर, पेपर भी लीक हो रहे हैं, तमाम पेपर विपक्ष निशाना साध, पेपर भी लीक हो रहे हैं, लेकिन उस सरकार उनको जो भी लीक कर रहा है उनको जेल में डालने का काम कर रही है, उनको बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे आने वाले फिर चुनाव में अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत से 400 के पार आते हैं तो ऐसे गठित जो एजेंसियां होंगी उनके माध्यम से उस पेपर को कराया जाएगा। और आने वाले समय में आपको ये विश्वास दिलाती है सरकार कि कभी भी पेपर लीक नहीं होने दिया जाए। क्या लग रहा है, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? हाँ सही बात है, 400 पार भाजपा सरकार। चलिए, तमाम लोग भाजपा के यहाँ पर युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है कितनी बातों में सच्चाई दिख रही है? भाई साहब, आपने बोला था ना कि अभी हमारे यहाँ टेम्पर कैसा है, आपको ये युवाओं का जनसमूह जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस बात का गवाह है कि टेम्पर बहुत ही गर्म है, बहुत हाई है। और भाजपा इस बार 400 पार करके जो मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत के राष्ट्र को अपना विकसित राष्ट्र बनाने का, उस परिकल्पना को हमारा सदल प्रसाद काफी टक्कर देना है ऐसा लोगों का कहना है। बांसगांव से हम लोग टक्कर नहीं है, सदल प्रसाद जी इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे ये फ्लॉप शो है। और जितने जुमलेबाज हैं इस इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं और आने वाले 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो यही लोकसभा बांसगांव की जनता दिखा देगी कि आने वाले जो 1 तारीख को वोट पड़ेगा उसमें 4 तारीख को जब गिनती होगी तो सदल प्रसाद चाहे कोई भी प्रत्याशी पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक नहीं दिखाई देने वाला। क्या लगता है, सही कह रहे हैं? सही, 100% सही है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है आदरणीय योगी मोदी जी, और आने वाले समय में वो फिर एक बार और भी लोगों से हम बात कर लेंगे, थोड़ी जगह बनाइए, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, कितनी टक्कर बांसगांव में दिखाई दे रही है? कोई बांसगांव में कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है और अब की बार 2 लाख ज्यादा माननीय सांसद जी चौथी बार सांसद बनेंगे। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से जान लेते हैं। तमाम भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो समूह है यहाँ पर वो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बताइए क्या लग रहा है बांसगांव में, किस तरह की टक्कर दिखाई दे रही है? अगर सदल प्रसाद की बात करें तो कितना दमदारी से सदल बहुत दूर है, सदल प्रसाद बहुत दूर है। हमारे कमलेश पासवान जी तीसरी बार चौथी बार सांसद होने जा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में केंद्रीय मंत्री बन के आने वाले हैं हमारे कमलेश पासवान जी। क्या लग रहा है, टक्कर दे रहे हैं सदल?
जोरदार, कोई टक्कर है ही नहीं सांसद जी, सांसद जी एक तरफा जीत रहे हैं हमारे पास गांव लोकसभा। तमाम युवा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए इस बार जो वोट हो रहा है विकास के नाम पे हो रहा है, और श्री राम मंदिर बनवाने का काम मोदी जी ने किया, और हमारे सांसद जी सब विकास का काम कर रहे हैं। समलेश पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी टक्कर दे पाए? सांसद जी की टक्कर में कोई है ही नहीं है, लोकसभा पास गांव में लगातार चौथी बार। देखिए यूथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और उत्साह दिखाई दे रहा है, चूंकि बांस गांव लोकसभा क्षेत्र का यह चौरी चौरा विधानसभा है और यहां पर उत्साह आप लोगों का देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।